Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सोमवार यानी आज दुबई से मुंबई लाया जाएगा। न्यूज एजेंसी ने उनके पति बोनी कपूर के हवाले से ये जानकारी दी। पार्थिव शरीर को लाने के लिए अनिल अंबानी का प्राइवेट जेट दुबई पहुंच गया है। आज दोपहर जोहू के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका शनिवार रात दुबई में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। श्रीदेवी अपने 5 साल के करियर में एक्टिंग के बूते सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही, इसलिए उन्हें पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। श्रीदेवी को 2013 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति और बेटी के मुंबई लौटने के बाद श्रीदेवी दुबई के होटल के कमरे में अकेली थी। निधन से पहले 48 घंटे तक बाहर भी नहीं निकली। शनिवार रात बाथरूम में बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दुबई पुलिस ने होटल का पूरा फ्लोर सील कर दिया है ताकि जरूरी हो तो जांच की जा सके। परिवार के मुताबिक श्रीदेवी को दिल की बीमारी नहीं थी, ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी मौत से जोड़ी जा रही है। श्रीदेवी 29 सर्जरी करा चुकी थी, एक में गड़बड़ी के बाद डाइट पिल्स और एंटी एजिंग दवाई ले रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट में कुछ डाउट मिला तो डेड बॉडी सौंपने में और वक्त लग सकता है। दुबई में विदेशी नागरिकों की स्वाभाविक मौत पर भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में 1-2 दिन लगते हैं। श्रीदेवी पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ दुबई के होटल में ठहरी थी, उसके बाथरूम में वे बेहोश मिली। होटल के सूत्रों के हवाले से कहा कि इस बात का शक है कि रात को उन्हें बाथरूम में ही दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गई। श्रीदेवी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से 1996 में शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान से ही शुरू हुई थी।